हाय मैं मिथिलेश चौधरी, आपको बताऊंगा कि आपको काम करने में रुकावट क्या है। आप कोई भी काम करने जाते हो तो क्या क्या रुकावट आती है, तो मेरे दोस्त ये चार पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर चार पॉइंट को आप ध्यान देते हो, इसको इग्नोर करते हो अपने लाइफ में, ज्यादा से ज्यादा चार पॉइंट को इग्नोर करते हो तो कि आपकी कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी, आप डेवलप करोगे और आपके कार्य में जो रुकावट आ रही है, जो दीवार खड़ी हो रही है, वो दीवार आपको बार बार आपके कामों में अवरुद्ध नहीं डालेगी, ऑब्जेक्शन नहीं डालेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि न्यूज़पेपर को सिर्फ एक बार हाथ लगाए। आपके घर में, आपके ऑफिस में न्यूज़पेपर आता है तो एक ही बार आप हाथ लगाइए, एक ही बार उठा करके पढ़ डालिए, नहीं कि फिर बार बार दिन भर उस न्यूज़पेपर को ही देखते रहोगे तो आपके जो कार्य क्षमता है, आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे, उसी में सिमट करके रख जाओगे। नेक्स्ट क्या है, सेकंड की एक लिस्ट बनाए जिसमें न करने वाले कामों का जिक्र है। आप एक लिस्ट बना लीजिए अपने लाइफ स्टाइल का कि हमें ये काम ऑफिस के टाइम में नहीं करना चाहिए, और उस लिस्ट को बार बार आपने दिमाग में रखिए कि ये काम जो है हमको इस जगह पे नहीं करना चाहिए, कौन सा काम किस जगह पे करना चाहिए। आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको घर में गए तो घर में आपको क्या क्या काम करना चाहिए, और लिस्ट के हिसाब से आप क्या कोई काम छूटा गया, उसी तरह से आपकी ऑफिस है, आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें लिस्ट बना के डाल दीजिए, अपने सिस्टम पर डाल दीजिए, कहीं पर लिस्ट आउट कर दीजिए कि आपको डेली उसको देखते रहिए कि आखिर इस जगह पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि हर सुबह 5 बजे उठे, आप ध्यान रखिए, आप आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया है कि आप कुछ भी हो जाए, आंधी हो या तूफान हो या बर्फीली हवा चलती हो या बारिश हो, आपको 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना ही चाहिए। अगर आप 5 बजे उठ कर देखिए, आपका लाइफ डे बाय डे इम्प्रूव होने लगेगा, आपका जो काम करने का इफिशियंसी है उसमें आपको काफी डेवलपमेंट होने लगेगा। आगे बात करेंगे कि रोज स्टैंड अप मीटिंग करें, जैसे कि आप कहीं भी जाते हो अपने फैमिली में या अपने कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बैठ के मीटिंग मत करो, स्टैंडिंग मीटिंग करो। बैठ के मीटिंग करोगे तो लोग कोई कोई देखेगा, अपने पेन को खर्चते दिखाई देगा, कोई फोन पैसा टिकटॉक करते दिखाई देगा, तो जब ही आप मीटिंग करते हो सबको खड़े कर दीजिए, स्टैंडिंग मीटिंग करो। जैसे आप प्रेयर करते हो, हम स्कूलों में जाते थे तो क्या करते थे, स्टैंडिंग करते हैं, मंदिरों में जाते हैं स्टैंडिंग करते हैं, तो हम जब मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के दरमियान सबको बिठा देते हैं, तो बैठने वाला क्या करेगा, वो तो ऑलरेडी रिलैक्स हो गया, और रिलैक्स होकर बैठ गया तो क्या आपके जो आप बोलते हो उस पर कॉन्सेंट्रेशन करेगा, नहीं करेगा। तो हमें स्टैंडिंग मीटिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टैंडिंग मीटिंग करना रोज। आप जो है ना, चाहे आप कंपनी का टीम लीडर कब बन सकते हो, जब स्टैंडिंग मीटिंग का महत्व समझोगे। आपका कोई भी बिजनेस हो, 2 आदमी का बिजनेस हो, 4 आदमी के साथ काम करते हो या 4,000 आदमी के साथ करते हो, सबको खड़ा करके मीटिंग करो, सबसे खड़े होकर बात करो, कोई ऐसा बैठा करके चेयर लगा के ऐसा करना, आप पक्का मीटिंग होता ही कितने टाइम का, आधे घंटा होता, 1 घंटे होता, फिर आपको चेयर लगा के रिलैक्स करके बैठ के बात करने इसका मतलब नहीं है। इसलिए ये पॉइंट को नोट करिए मेरे दोस्त, कि ये चार पॉइंट जो है ना आपके दीवार को तोड़ सकता है, आपके रास्ते को, रुकावट को खत्म कर सकता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी विदा लेता हूँ, नमस्कार।